फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बांसु। चलिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम। ओके, बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द जिम्नोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नीरोगैम्स बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमेट्स। ओके, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियो मीन्स होता है कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, यानी इसके अंदर जो सीड होता है दैट इज कवर्ड इनसाइड द ओवरी वॉल। ठीक है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। अब अगर हम बात करें सबसे पहली बात तो सीड कवर्ड होता है इनसाइड द ओवरी वॉल। सेकेंड है दीज आर मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडन और ऑन द प्रेजेंस ऑफ कोटिलीडन्स एंजियोस्पर्म टू टाइप्स के होते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। ठीक है, मोनोकोट्स का एक एग्जाम्पल आप देखें तो बीट है, मेज है, अंडरस्टैंड बेटा। और अगर डाइकोट्स के एग्जाम्पल देखें तो आपको बताया है ग्राम है, अंडरस्टैंड। ये सारे डाइकोट्स में आ जाते हैं जिनके भी सीड को इजीली, या पीनट्स हैं, ग्राउंडनट यानी। ठीक है बेटा, तो ये जो है किसमें आ जाते हैं, डाइकोट्स में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की तो इसमें फ्यू माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेके बहुत लंबे प्लांट तक ट्रीज है। वोल्फिया जैसे बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा सा प्लांट है। ओके, जो कि यूकेलिप्टस आपको पता है इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो अबाउट 100 मीटर तक होती है, अंडरस्टैंड। अब देखिए जो बात हमें करनी है वो स्पेशली करनी है इसमें जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है। तो आपको पता है जो प्लांट होता है, प्लांट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो देखिए एक अलग ही टाइप का टॉपिक हो गया कि भाई रूट से, स्टेम से या लीव से हम नया प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं, दैट इज कम अंडर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेक्सुअली ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर में फोर वॉल्स होते हैं, आउटर मोस्ट वॉल कैलिक्स होता है, फिर पेटल होती है जिसको कोरोला बोलते हैं, कलरफुल पार्ट। लेकिन सबसे अगर आप मेन बात करें तो यहाँ पे मेन जो वॉल होता है इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम या स्टेमन। ठीक है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ओके बेटा, क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, वन इज एंथर, अनदर इज फिलामेंट। ठीक है, वन इज एंथर, अनदर इज फिलामेंट। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अंडरस्टैंड। दोनों ही इनको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। ये आपका जो पार्ट है ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टल या कार्पेल, पिस्टल या कार्पेल। ठीक है बेटा, पिस्टल या कार्पेल, अंडरस्टैंड। अब देखिए पिस्टल या कार्पेल तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, वन इज स्टिग्मा। ठीक है, इसको स्टाइल कहते हैं, एंड दैट वन इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओके, अब देखिए जनरली होता क्या है इसमें, एंथर जो है, एंथर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंथर की जो इनर मोस्ट सेल होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, ज्यादा तो नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली 12th में आप डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा देखिए एंथर के अगर अंदर का स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बाइलोबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टू लोब्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, तो ये बाइलोबल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर पोलन चैम्बर्स होते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर में राउंड बना रही हूँ ये पोलन सेट या पोलन चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो पोलन सेट या पोलन चैम्बर्स के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू के कुछ सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किसकी फॉर्मेशन करती है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करती है, अंडरस्टैंड। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे भाई दिखाया गया आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पोलन ग्रेन दिखाए गए यहाँ पे। ठीक है, यानी थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप,
कि भाई आप एंथर जो है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब है, एक लोब के अंदर दो पोलन सैक या पोलन चैम्बर्स होते हैं। पोलन सैक या पोलन चैम्बर्स के अंदर माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ सेल माइक्रोस्पोरोजीनियस टिश्यू की कुछ सेल क्या करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करती है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोटिक डिवीजन से, कौन से डिवीजन से, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन से वो ये फोर पोलन ग्रेन्स बनाती है। इज दैट क्लियर, क्या बनाती है, फोर पोलन ग्रेन्स बनाती है। ओके, एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो इसके बाहर वाली लेयर को एग्जाइम बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को इंटाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो सेल होती है, एक जो स्मॉल साइज की सेल आप कह सकते हो, सॉरी इस तरह से आप बना सकते हो, स्मॉल साइज की जो सेल है, लार्ज साइज की जो सेल है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, स्मॉलर साइज को इसको जनरेटिव सेल कहते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है बेटा। अब वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, देखिए जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या करते हैं, पोलिनेशन से, यानी विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, जो ये वाला पार्ट फ्लावर के अंदर है तो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जैसे मतलब मैच्योर हो जाते हैं तो ये फट जाता है एंथर, और ये सारे पोलन ग्रेन्स हवा के साथ उड़ के कहाँ गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, इज दैट क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, किसकी फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये स्टिग्मा है, ओके, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा, ठीक है, और पोलन ग्रेन्स क्या हुआ, जो अब क्योंकि पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, मेल फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, तो इसको यहाँ जाके फ्यूज करना है, तो इसके लिए ये डायरेक्टली जा नहीं सकता, तो यहाँ पे एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन ये करेगा और उस पोलन ट्यूब से तैरते हुए मेल गैमेट्स आएंगे। क्लियर है बेटा, तो वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है वेजिटेटिव सेल, जबकि जनरेटिव सेल क्या करेगी, जनरेटिव सेल मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी, इज दैट क्लियर, जनरेटिव सेल क्या बनाएगी, मेल गैमेट्स बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब बनाई, इसके अंदर मेल गैमेट्स भी होंगे, दो मेल गैमेट्स, इज दैट क्लियर। अगर इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, अब हम बात करते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरिकल जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल किसकी फॉर्मेशन करती है, इसमें भी फंक्शनल मेगास्पोर्स बनते हैं, बट उनमें से चार जो मेगास्पोर बनते हैं, इससे भी मियोसिस डिवीजन से चार मेगास्पोर बनते हैं, बट चार में से जो फंक्शनल है वो सिर्फ एक ही होता है, और वो मेगास्पोर क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आपको फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बिकॉज डिटेल है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है इसमें तीन सेल तो ऊपर की साइड में होती है, ठीक है, जिनको बोलते हैं एंटीकोडल सेल, क्या बोलते हैं, एंटीकोडल सेल, तीन सेल नीचे होती है जिसमें से दो होती है सिनर्जिड और एक होती है एग सेल, ठीक है, और दो न्यूक्लियस यहाँ होते हैं, दरअसल न्यूक्लियस दो होते हैं बट इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, दैट्स व्हाई सेल एक है, ठीक है, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियेटेड स्टेज होती है, सेल कितनी होती है सेवन और न्यूक्लियस कितने होते हैं एट, सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियेटेड स्टेज होती है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है, पोलन ट्यूब ग्रोथ करके इसके अंदर एंटर करती है और अपने जो दो मेल गैमेट्स हैं वो इसके अंदर इंसर्ट कर देती है, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। अब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो दो मेल गैमेट जाएंगे तो एक मेल गैमेट तो फ्यूज करेगा पोलन न्यूक्लियाई के साथ और एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, ठीक है, दो मेल गैमेट्स हैं, इज इट क्लियर। तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलन न्यूक्लियाई के साथ और एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ। इस तरह से प्लांट्स में होता है कि बेटा दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एंजियोस्पर्म में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, यानी दो मेल गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, इज दैट क्लियर बेटा। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है जायगोट की फॉर्मेशन होती है जिससे फिर क्या बनता है लेटर ऑन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है।
अंडरस्टैंड बेटा, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट फिर एम्ब्रियो बनाएगा और एंडोस्पर्म बनेगा। तो एम्ब्रियो से फिर इसको हम कह सकते हैं पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो रेडिकल और प्लूमल रीजन होता है वो रूट और शूट की फॉर्मेशन करते हैं। रूट और शूट, अंडरस्टैंड बेटा। रेडिकल रीजन क्या बनाएगा, रेडिकल रीजन है वो तो रूट बनाएगा और जो प्लूमल रीजन है वो शूट बनाएगा और इस तरह से पूरे प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वैसे आपको पता है एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट फेज में होती है, गैमेटोफिटिक जो स्टेज होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हो, दैट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये पूरा था अबाउट एंजियोस्पर्म, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हैव ए गुड डे।